मेरी YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खबर है जो कि आपको एक ऐसी ट्रिक्स एवं टिप्स देंगे जो कि आप दोस्तों अपना बैंक का बैलेंस घर बैठे अपना जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपको घर बैठे अपना मोबाइल फ़ोन से कहीं जाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, आप बस अपना मोबाइल फ़ोन से अपना बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। जो एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। तो दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड कैसे मिलेगा वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉग इन करके दिखाएंगे। जब लॉग इन कर लेंगे दोस्तों तो जो एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी मोबाइल नंबर जो रिचार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो बैंक का बैलेंस चेक करने का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ICICI बैंक AEPS NSDL बैंक AEPS। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप ICICI बैंक AEPS में क्लिक करेंगे बैलेंस चेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आता है बैलेंस इंक्वायरी, उसके बाद आपके पास शो फिंगर डिवाइस प्रिंट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल लेंगे, साथ ही नाम, और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है अपना। आधार कार्ड नंबर डालते ही दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक सर्च करने का आएगा, यहाँ पे बैंक अपना सर्च कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम बैंक सर्च कर लेते हैं इंडोस्टेट बैंक। आप यहाँ पे जो बैंक है यहाँ पे सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आपको सब बैंकों का नाम दिया गया है। जब बैंक सर्च कर लेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन दिया है जो आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट चलेगा, तो यहाँ पर आपको फिंगर रख देना है, जिससे आपको जो फिंगर सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर आसानी से जो बैंकों का बैलेंस है दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबमिट का ऑप्शन खुल के आएगा, उसके बाद आपको डन में क्लिक करना है। जैसे आप डन में क्लिक करेंगे आपको सामने जो बैंकों का बैलेंस है बहुत ही आसानी से आपको इस तरह से दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह के बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि दोस्तों इस तरह से आपको डेली वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों बता देते हैं कि इस वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से भी ले सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, या तो दोस्तों आप अपना से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड लेकर बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपना मोबाइल फ़ोन से बैंक का बैलेंस जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।